11 सितंबर को 8 बजे सुबह से ही श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए जीवन ज्योति केंद्र के निकट हवाई अड्डा के मैदान में पंडाल बन चुका है। भोजन पंडाल जीवन ज्योति केंद्र के अंतर्गत ही बन चुका है और समाधि स्थल को भी पूरी तरह से सजा दिया गया है। जो जानकारियां अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुई है उसके हिसाब से के मुताबिक भारत के विभिन्न प्रांतों के अलावा पड़ोसी देश से भी कई संत महात्माओं के आगमन की सूचना सतगुरुदेव की श्रद्धांजलि सभा में प्राप्त हुई है। मुख्य रूप से धर्मेंद्र साहब पारक संस्थान प्रयागराज इलाहाबाद से, असंगदेव महाराज मुस्तफाबाद लखीमपुर उत्तर प्रदेश से, टकसार साहेब दिल्ली से, परीक्षा साहेब जैनपुर अयोध्या से, बुद्ध साहब काठमांडू नेपाल से, योगी अखिलेशानंद जी महाराज हरिद्वार से, श्री मुनि शास्त्री पुणे महाराष्ट्र से, आचार्य विवेक साहेब कबीर चौड़ा बनारस उत्तर प्रदेश से, महेंद्र साहब दौसा राजस्थान से, गुरुभूषण साहेब गुजरात से, धर्माधिकारी साहेब कबीर प्रकाट्य धाम लहरतारा वाराणसी से, ब्रजेश मुनि फतवा पटना से, रामाशंकर साहेब वैशाली से, संजीवन साहेब कटिहार से, साध्वी आश्रम पोठिया डी छत्तीसगढ़ से साध्वी सुचिता साहेब के अलावा अन्य साध्वीगण के में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर से महात्माओं आचार्यों के पहुंचने की सूचना है। बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के कई मंत्रीगण, विधायक एवं सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मेयर, उपमेयर के भी पहुंचने की संभावना है। कि साथ ही साथ पूर्णिया के आसपास के विभिन्न मठों से महंतों, साधु महात्माओं के आगमन की सूचना प्राप्त हुई है। उसमें से कई लोगों की पूर्णिया पहुंच जाने की सूचना है और हम लोग पूरी तरह से संतों की व्यवस्था को कहीं से भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जिसके लिए पूर्णिया शहर के नगर निगम के अंतर्गत आने वाला आश्रय स्थल में संतों के ठहराने की व्यवस्था की गई है। पूर्णिया कॉलेज के अतिथि गृह में संतों की ठहराने की व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही साथ सदगुरुदेव से जुड़े गृहस्थ लोगों ने भी अपने अपने निजी घरों में भी संत महात्माओं के ठहराने का भरपूर इंतजाम किया है और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में हम लोग लगभग 200 से 300 संतों के ठहरने की व्यवस्था कर चुके हैं। इसके अलावा जो भक्तगण आएंगे, जो 11 तारीख के कार्यक्रम के लिए 10 को ही पहुंच जाएंगे, उनके भी ठहरने आदि का इंतजाम हम लोगों ने कर लिया है। 11 तारीख को पूरे दिन श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ प्रवचन होंगे साहब जी के जीवन पर, साहब जी के जीवन से संबंधित एवं उनके द्वारा लिखित भजनों का गायन होगा, भजन उपदेशक लोग भजन उपदेश करेंगे। साथ ही साथ पूरे दिन भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है जो सुबह 9 बजे से चलकर रात्रि के 10 बजे तक चलेगा। हम लोग सभी समिति के सदस्यगण, भक्तगण के सहयोग से और सभी डॉक्टर साहब हैं और जितने भी नेतागण हैं, साहब जी से अधिकतर राजनेता जुड़े रहे और उनसे प्रेरणा लेते रहे, विद्वान जन प्रेरणा लेते रहे, आशीर्वाद लेते रहे और सभी लोग का सहयोग अग्रगण्य इसमें हो रहा है और इसमें हमारे नवयुवक साथी और समस्त भक्त संत
कोई छोटा बड़ा नहीं, सब लोग खूब सहयोग कर रहे हैं, तन मन धन से लगे हैं और पूरी तरह से तैयारी आगे की ओर बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले आगंतुकों को कोई तकलीफ न हो रहने बसने खाने पीने, क्योंकि आचार्य सदगुरुदेव श्री धर्म स्वरूप साहब जी जो स्वरूपलीन हो गए वो एक अद्भुत विद्वान पुरुष थे। रामपुर तिलक उनकी जन्मभूमि थी और वहीं गुरु स्थान था और उनके माता पिता उनको सदगुरु के श्री स्नेही साहब के चरणों में चढ़ाया था और संतों के ही आशीर्वाद से उनका जीवन पला बढ़ा और उद्भट विद्वान इस कबीर पंथ के जाने माने महापुरुष, जाने माने जितने भी शास्त्री रहे सब इनसे हार मानते थे और कबीर साहब का तो पंथ ही निराला रहा, जिनको अलग जगाने में सदगुरुदेव जी का अग्रगण्य भाग रहा जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदा अमर रहेगा। हम सब उसकी तैयारी में लगे हैं ताकि उनका इतिहास बरकरार रहे। आइए अब आगे का वृतांत हमारे व्यवस्थापक श्री विनम्र स्वरूप साहब जी सुना। परम पुज्य सदगुरुदेव जी की श्रद्धांजलि को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए आश्रम के तमाम संतगण और समिति के सदस्यगण एवं आसपास के जितने भी नवयुवक भक्तगण हैं सबों ने अपना तन और मन से सेवा जारी कर दिया है और रात दिन मेहनत करके इसे ऐतिहासिक बनाने में प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि हम लोग सदगुरुदेव के आशीर्वचन से पूर्ण रूपेण सफल होंगे और आए हुए तमाम संतों का भक्तों का सेवा तन मन से करेंगे।